हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज जा रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर, गोविंद और राम दोनों। तो अभी तो दूर है, थोड़ी दूर, हम जल्दी निकल गए ताकि जल्दी घर पे आ जाए कोटा के बांके बिहारी मंदिर। तो दिखाऊंगा आपको। और रास्ते में ना वहाँ पे वह रंगबाड़ी के हनुमान जी है, तो वो भी दिखाऊँगा आपको। देखिए, टी शर्ट गर्मी लग रही है बहुत अभी, है ना, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये निकल रहे हैं, अभी चलेंगे अपन। दिखाऊंगा आप सभी को बांके बिहारी कोटा के बिल्कुल, है ना, वृंदावन के बांके बिहारी की तरह है। थोड़ा तो अलग होते हैं पर वैसे ही लगते हैं, वैसा ही माहौल है। वहाँ पे भीड़ भी बहुत रहती है और कीर्तन भी होते हैं। वैसे उनके ना फूल बंगला वगैरह बनते, पर्दा भी बार बार लगता है। तो दिखाऊँगा, देखना, वहाँ पे वीडियो भी बना लेते ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो देख के दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अभी। पहले पहुंचेंगे रंगबाड़ी के हनुमान जी और फिर वहां से बांके बिहारी मंदिर। तो ये ना रंगबाड़ी की गलियां हैं, हम शॉर्टकट में होके जा रहे हैं ना, तो ये गलियों में होके निकल रहे हैं। तो ये देखिए, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं गलियों में। और ये हमें ना वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं ना बांके बिहारी के, तो गौ माता भी मिल गई हमें। ये देखिए, अब हमें ना इधर है ना शॉर्टकट रास्ता है एक और, पार्क में होके निकलेंगे। ये देखो, छोटा सा रास्ता बना हुआ है कुंज गली, तो इसमें होके निकलेंगे। और ये पार्क है, तो इसमें ना बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा पार्क है। देखो कैसी हरियाली है। और ये कुंड जैसा बना हुआ है, शायद कुंडी होगा, पानी वानी तो नहीं है इसमें। और ये है रंगबाड़ी के हनुमान जी। तो दोस्तों, ये मंदिर बहुत प्राचीन है, ये राम जी से जुड़ा हुआ है, मतलब त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे त्रेता युग की कुछ बातें, विभीषण जी और ऐसे हनुमान जी, विभीषण जी और शिव जी को घुमाने लेके गए थे। तो ये पलड़ा यहाँ रुक गया ना, तो ये हनुमान जी यहाँ पर स्थापित हो गए। और खेतुन में विभीषण जी और जिस पलड़े में महादेव जी बैठे थे ना, वो चार चौमा वहाँ पर नीचे टच हो गया, तो ये फिर यहीं स्थापित हो गए। तो बहुत पुराना मंदिर है। देखो कुंडे, तो इसमें ना मछलियाँ हैं बहुत सारी और खचुए भी है। देखो कितनी सारी है, ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ और खचुए हैं। इस पर जाली लगाई हुई है ताकि कोई अंदर नहीं जाए, नहीं तो इंसानों की आदत होती है अंदर जाके पानी के छींटे लगाए, कुछ कोई क्या करे। तो ये जाली लगा रखी है चारों तरफ, तो ये बरसात में तो बहुत सारा पानी हो जाता है इसमें। देखो कितने सारे कछुए हैं, मछलियाँ भी है बहुत। और ये चौथ माता है, शीतला माता है, सॉरी चौथ माता नहीं, शीतला माता है। और ये यहीं कुछ होंगे क्या पता। ये देखिए, हवा चल रही है बहुत तेज, आंधी जैसा माहौल हो रहा है। ये देखिए, अब इस गेट से हम उधर निकलते बांके बिहारी का मंदिर आ जाएगा। ये देखिए, गेट पार करते तो ये रंगबाड़ी के बालाजी मंदिर, तो इससे हम बाहर आ गए। बहुत प्राचीन मंदिर है, गौ माता है यहाँ पे। और इस फेड के उधर है ना बांके बिहारी का मंदिर है। तो ये आ गया बांके बिहारी का मंदिर है, सामने लाइट दिख रही है ना, तो ये मंदिर है। ये भी बहुत पुराना है, इसमें भी बार बार पर्दा लगता है भगवान के, जैसे बांके बिहारी के लगता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है। तो देखिए मेरे बांके बिहारी।
तो दोस्तों कैसे लगे मेरे बाकी बिहारी। अभी तो पर्दा लगा हुआ है तो है ना, जैसे वृंदावन के ना वैसे ही इनके फूल बंगला बनता है रोजाना, और दर्शन भी करने भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए खुल गया, जय हो बाकी बिहारी। तो अच्छे लगे ना, तो पूरी वीडियो तक एंड तक बने रहना वीडियो में। तो देखना आरती भी दिखाऊँगा आपको, इनकी संध्या आरती देखना सुंदर लग रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है, आरती का टाइम होने वाला है ना, इसलिए लग गया वापिस पर। अब हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं, तो है ना पानी आ गया बहुत, तो हमें यहीं रुकना पड़ा आरती तक, नहीं तो हमें ना जल्दी निकल जाते। बहुत गीला हो गया, बहुत तेज पानी आया था और अभी भी बिजली चल रही है। वो भगवान हमें भेजना नहीं चाहते थे, बोल रहे थे कि भाई है ना बेटा आरती करके जाना, बहुत दिनों में आया है तू, तो इसलिए ना पूरी आरती करके फिर अब हम जा रहे हैं। पानी आगे जाने लगे ना, तो पानी आगे छींटे आने लगे तो हम रुके, तो फिर तो बहुत ही तेज आ गया वहाँ। तो देखिए देखिए गीला ही गीला हो गया, इतना तेज पानी आया था पूरा रोड ऐसे गीला हो गया। देखिए बदल भी है बहुत तेज और अभी भी छींटे आ रहे हैं, ये देखो। तो हमें ना घर पे पहुंचना बड़ी मुश्किल है, ये देखो देखे पूरा गीला गीला हो गया। और इधर है ना ये बालाजी मंदिर है ना, हनुमान जी रंगबाड़ी के बालाजी, तो यहाँ पे भी आरती होने लगे। उधर से आए थे हम तो अब यहाँ पे होने लगी। ये बोल रहे हनुमान जी कि अब यहाँ रुक जाओ बेटा, यहाँ की आरती कर लो, वहाँ की करके आ गए। तो देखते हैं अभी हम भाई यहाँ रुकेंगे कि वहाँ जाएंगे। अभी हमारा घर तो बहुत दूर है, तो पूरे गीले हो जाएंगे।
और हम पॉलीथीन भी नहीं आई, इस फोन को किस पे रखेंगे, इसलिए ना यहीं रुकते हैं मंदिर में, आरती हो रही है। तो देखिए दोस्तों अंधेरा होने वाला है और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे, वहाँ हनुमान जी की आरती में रुक गए थे ना, इसलिए क्योंकि उन्होंने आरती खत्म होते पानी भी रुक गया, तो हम पानी रुकते आ गए। और अब हमने ना ये ना सब्जी भी ले ली, भिंडी भिंडी, और ये हमारे ना नल टूट गया था तो वो भी ले लिया। तो अब हम घर पे जा रहे तो अभी टाइम लगेगा घर पे पहुंचने में। तो देखिए सामने काफ़ी लाइटें जल गई है सामने, तो लाइट भी जल गई और है ना ऊपर देखो काले काले बादल हो रखे, बारिश आने बारिश। दोस्तों हम जिस रास्ते से गए थे ना तो वापस घूम फिर के वहीं आ गए, और ये ना अंधेरा हो गया और बिल्कुल है ना बहुत थक गए हम तो, ये ना पानी की वजह से गीला हो गया, अभी अंधेरा भी हो रहा है। इधर आगे दिखाता हूँ, तुम्हारा घर भी आने वाला है, लेकिन हम है ना बहुत ज़्यादा थक गए। मैं ना यहाँ विनोबा नगर से ना रंगबाड़ी है हनुमान जी के वहाँ पर गए थे पैदल वैदल, तो बहुत घूमे। तो ये वहाँ सामने वाली बाउंड्री दिखती है ना, तो वहाँ पे गली है, तो उसमें ही हमारा मकान है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हमारे मकान पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना, और कमेंट्स में राधे राधे और जय श्री राम जरूर बोलना, क्योंकि हम बाके बिहारी मंदिर गए थे। राधे राधे, राधे।